गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना नया साल कैसा चल रहा है, ये भी ज़रूर बताना। खैर अभी तो नया साल शुरू ही हुआ है, अभी तो आगे खैर इतना बड़ा नहीं है। आज है आई थिंक 7, हाँ आज है 7 जनवरी, और हमारा ऑलमोस्ट काम जो है वो शॉपिंग वगैरह सब कुछ मतलब चल ही रहा है अभी भी। आज भी हमारा पूरा प्लान था मार्केट जाने का, मैं रेडी थी, सब कुछ रेडी था, बट हुआ क्या कि आज बहुत तेज़ जो है हवा चल रही थी, और ये इसके ऊपर ये जो मेरी इनर दिख रही है मुझे अच्छी लग रही है, तो ठंड है। तो अभी जो है लेयरिंग कपड़ों की, डबल ट्रिपल लेयर यहाँ पे यही चलने वाला है क्योंकि ठंड बहुत है। तो मैं ये बता रही थी कि शॉपिंग जो है अभी चल ही रही है, कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें है आई थिंक ये आदत के लिए मैंने शेरपा जैकेट नहीं है, इस तरीके की हुडेड स्वेट शर्ट जो होती है वो लिया है। तो इसके साथ मैं सोचूँ कि इसको सेम यही शेरपा वो ले लेती हूँ, इसको शेरपा स्टफ ही बोलते हैं आई थिंक, मैं सोचूँ कि इसको इसके साथ का एक लोअर भी ले लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है और ये काम आने वाला है। खैर मैंने ये शादी के पर्पज़ से लिया है क्योंकि शादी जो है वो है फरवरी में, और उस टाइम पे ऐसे ही मोटे मोटे कपड़े काम आने वाले हैं। एक मैंने इसके लिए ये भी लिया है हाई नेक, ये ना सॉफ्ट वाले स्टफ में, इसमें एक बहुत ही ऐसा आता है खसरा सा बहुत, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये मुझे एक सॉफ्ट वाला मिला तो फिर मुझे यही कलर मिला तो मैंने यही ले लिया, इसमें एक पिंक कलर था तो वो मैंने इसके लिए नहीं लिया, बट ये वाला मैंने लिया। और ये ना बहुत ही सॉफ्ट वाले उसमें, और जो दूसरा आता है ना वो उसके जो धागा होता है बहुत ही खारिश वाला खसरा होता है, बहुत अपने लोकल लैंग्वेज में खसरा ही बोलते हैं, तो वो वाला मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है, उसमें गर्दन में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और भी बहुत सारा सामान है, इसके शूज़ वगैरह है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, थोड़ी देर में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये सारा सामान यहाँ रख देते हैं, तो कपड़े गीले हैं सारे, ऐसे ही पड़े हैं। तो ये सब है, बाकी और भी शॉपिंग है जो मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाती रहूंगी, जो जो चीज़ें मेरे पास यहाँ आती रहेंगी, जो चीज़ें दीदी के पास जाती रहेंगी उनके घर पे, वो तो खैर मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जब सारी चीज़ें मेरे साथ मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आजकल जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, तो एक बहुत ही बेस्ट चीज़ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है ये ममार्थ का विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम, जिसमें है विटामिन सी और हनी। आपको पता है कि हनी और विटामिन सी तो आपको पता है कि एक हमारी जो स्किन है उसको इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ विटामिन सी हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी रखने में, ब्राइट रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन इसमें जो है हनी भी है, तो हनी के जो फायदे हैं वो भी हमारे स्किन में काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि हनी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है स्किन के लिए। तो हनी जो है उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक एबिलिटीज़ होती है जो कि स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करने में और ब्राइटनेस प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और हमारी स्किन को हेल्दी भी रखती है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन सी एंड हनी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लाइट एंड नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, सूटेबल सभी स्किन टाइप के लिए है। और यही नहीं, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं वो भी है इसमें, जैसे कि इसमें है विटामिन सी, ऑर्गेनिक रोजहिप ऑयल, लेमन ऑयल, ग्रेप फ्रूट ऑयल, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है, हनी एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसे यूज करना जो है बहुत ही ज्यादा इजी है आपको जो है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोल्ड क्रीम है, तो आप जो है डॉट डॉट करके भी अपने फेस पे लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है इसे अपने पाम पे ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको अपने फेस पे या बॉडी पे अप्लाई करनी है अच्छे से अपने पाम पे रब करेंगे और अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे या अपने बॉडी पे अप्लाई कर लेंगे। मामार्थ की विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड क्रीम के साथ साथ आपको दो और कोल्ड क्रीम मिल जाती है, जो की है ये मामार्थ की उपटा नरिशिंग कोल्ड क्रीम विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन, और सेकेंड है ममाअर्थ कोको नरिशिंग कोल्ड क्रीम विद कॉफी एंड विटामिन ई, जो कि रिच मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है, और उपटन यानी कि टर्मरिक और सेफ्रॉन जो है वो ग्लोइंग मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को। तो आप जिसकी ये रेंज है ये भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें किसी भी प्रकार के कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बना है।
और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं मामा अर्थ के, ये आपको मामा अर्थ अमेजोन, नाइका और पर्पल पे भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, या तो आपको पता ही होगा कि मामा अर्थ जो है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, एक इंडियन ब्रांड है, और साथ ही साथ जितनी बार आप मामा अर्थ से कुछ बाय करते हैं तो आपका जो ऑर्डर है उसको लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ अपनी वेबसाइट पर, और उसकी सारी जो डिटेल्स है वो भी आपको भेज दी जाती है। तो इन प्रोडक्ट्स के जो लिंक है, मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट हैं, इनके लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप भी सर्दियों में हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है उनको टाटा बाय बाय कर सकते हैं, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो है हमारा खाना बना हुआ है, जिनमें हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था चने भटूरे, चने कुछ छोले कुलचे कुछ इस टाइप का, तो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो अभी हम सिर्फ चावल बनाएंगे। आओ आ जाओ, हाय करो, बोलो मैं हूँ मौर्य मोन्ना। तो वही सिर्फ चावल बनाने हैं। ऊध भी हो रही है वहां पे, अपनी मासी को देख रही है वहां बैठ के किचन में। सुमन अभी बर्तन धो रही है। आजकल तो बिल्कुल रजाई से बाहर निकलने तक का भी हम लोगों को मौका नहीं दे रहा है, मौसम इतनी ज्यादा ठंड है। बहुत सारे कपड़े धुलने को थे आज, बहुत सारे मैंने तो नहीं धोए, इसने धोए सुमन ने, पर सूख गए, आधे से ज्यादा सूख गए हैं, कुछ सूखने बाकी हैं अभी। अभी देखो बुढ़ापे की निशानी ना। अरु उरु आजा, बुढ़ापे की निशानी सफेद बाल, यहाँ पे नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत सारे हो रहे हैं मेरे तो, बीच बीच में है, लेकिन मेरे बालों का जो कलर है थोड़ा गोल्डन सा है, तो इतने नजर नहीं आते हैं। आलू बेच रहा है, हाँ। मोरे यहाँ बेचो आलू, इधर आओ, इधर आओ, आना जरा, बोलो आलू ले लो, बोलो आलू ले लो, बोलो ले लो। ये नहीं मासी की है ये क्रीम, आपको भी चाहिए, आपको भी दे देगी मासी। कितनी चाहिए, बस फाड़ना नहीं इसको, ठीक है, कितनी चाहिए, वन या टू? टू, ओ माय गॉड। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है आठ जनवरी, और ये रही यहाँ पे उरू, चक 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 है तू, चक 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 हूँ मैं। तो अभी ये सो के उठी है, आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ चाय बिस्किट यही हुआ है, तो आज हमने सोचा कि खाना जल्दी बना देते हैं, तो सुमन ने आलू की सब्जी बना दी, उसमें मुझे दही लगाना है, तो आज हम दही वाले आलू बनाएंगे। और चावल जो है बन चुके हैं, वो गई है नहाने के लिए, बच्चे दूसरे रूम में बैठ के जो है अपने अपने फोन देख रहे हैं। लो कर दो, नहीं नहीं नहीं, टाटा कर दो सबको। अच्छा नो करोगे, कर दो, नहीं 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 करो, अब टाटा कर दो, टाटा टाटा। तो अब जाके इसके गाल जो है अभी थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं, प्रॉपरली अभी ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन दांत बिल्कुल नहीं आए हैं अभी तक भी, कोई प्रोग्रेस नहीं है दांत आने में। तो आज जो है रात, मतलब पिछली रात इतनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, आई थिंक कॉन्टिन्यूसली बारिश लगी हुई है, मैंने जितनी बार मेरी नींद खोली उतनी बार बारिश की आवाज़ आ ही रही थी बाहर से। अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है बाहर, मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं है। थोड़ी देर पहले थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लग रहा था कि जैसे धूप निकल रही है, बट फिर वही थोड़ी रोशनी सी आ रही थी बस वैसे ही, पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आलू में लगा लेते हैं दही, उसके बाद हम करेंगे लंच। गंदी बात, नो 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 करो, नो 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 नो। हाय कर दो, हाय हाय।
बोलो कैसे हो। इधर यार आइज़ आइज़ नोज कहाँ है इसका? हम्म, नोज ये, और मोगू का नोज कहाँ है? मोरे का नोज। ये तो तुम दोनों को टच करना नहीं मानती है। ये बोलती है कि मेरे को डोंट टच मी। वो कहाँ गया? हाँ। टिकली टिकली देख गंदी बात। तो लंच तो हम लोगों का हो गया है। बाहर मौसम अभी थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे धूप आ रही है। बाहर जाके देख लेते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये देखो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो आप। मौसम आसमान तो थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, कहीं कहीं पे इस तरफ को बादल है, लेकिन ठंड बहुत है। ओह माय गॉड, बस तो कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते, ना ही हम जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसी ठंड में लगी। ये सामने गलगल का पेड़ लगा है, ये देखो थोड़ी थोड़ी धूप लग रही है, बट यहाँ पे मौसम खुला है, इधर को बादल है, थोड़ा सा सूरज चमक तो रहा है। बच्चों के कपड़े हैं जो 3 दिन से बिल्कुल सूख नहीं रहे हैं, अभी भी गिले हैं हल्के हल्के से। इतनी बारिश हुई है ना यहाँ पर, देख सकते हो इतना पानी और हवा। ठंड है, इस धूप को सेकने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा ठंड है, बारिश बहुत ज्यादा हुई है रात में। दिखा दो कुछ माँ भाई देने तेरे, कुछ राजमा माँ उजाने हो एक वक्त का गुजारा। क्या फायदा है सेल्फ लगाएगी जब पांदे चढ़ी की काटने पड़ो, देखिए है ना ज्यादा ही इतनी। बोलो आटा ले लो, लूनी आटा ले लो, ऐसे बोलो आटा। देख मोरे नो नो गंदी बात, आप खाना खा लो, हम खा चुके हैं, आप भी आज ही की डेट में खाना खा लो। भाई आपके बच्चे भी ऐसे हैं क्या, खाना खाने में स्लो? उनको तेज कैसे करें ये मुझे जरूर बताएं। और कई ऐसे हैं जो खाना खा के खेल के वो खाने को पचा भी चुके हैं ना, ऐसे बच्चों के लिए भी कमेंट करें। बच्चे से जिन्होंने खाना खा के मुंह साफ भी नहीं किया है, ऐसे बच्चों के लिए भी कमेंट करो। चल कर, बिल्कुल ही नहीं कर कर पला। अब गाना गाना, हाँ मैं गालियों में जाऊंगा। मम्मी लाते लाते करीता, मम्मी बथेरा नाचने किसी दा माइया डीसी लगिया किसी दा ठाणेदार, किसी दा माइया टीसी लगिया किसी दा ठाणेदार, मेरे माइये दी पक्की नौकरी रेंदा बिच बाजार, निकी की करदा गोल गप्पे बेचदा नी, गोल गप्पे बेचदा, गोल गप्पे बेचदा नी को। ये देख चलो तो नाच ले तू भी। किसी दा माइया डीसी लगया किसी दा ठाणेदार, किसी दा माइया डीसी लगया किसी दा ठाणेदार, मेरे माइये दी पक्की नौकरी रेंदा बिच बाजार, नी की करदा
गोल गप्पे बेचदा नी, गोल गप्पे बेचदा, गोल गप्पे बेच, गोल गप्पे। एक देख बैटरी चार्ज नॉन स्टॉप। मोरे तू नॉन स्टॉप गिद्दा है। तेरे च किन्ना है नशा, दारू दिए बंद बोतले, तेरे च किन्ना है नशा, पी के दिल दुखदा। ये लेट लेट की नाच रही। दारू दिए बंद बोतले। तो जी नाच गाना भी हो गया हमारा, और आज छुट्टी है सुमन की भी। दानिश घर गया है फिर से अपने, मतलब माइक के। दानिश गया है अपने माइक के, माइक और ये जो व्लॉग है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब हम सो जाएंगे। कोई नहाया नहीं है, सिर्फ एक बंदा नहाया है, वो है सुमन। ना बच्चे नहाए हैं, ना आज मैं नहीं हूँ, मैं कल नहा गई थी। अरु अरु करो डांस कर लो, दारू दिए बंद बोतले, करो नाचो, नाच मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच नाच नाच। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए। अब हम देखेंगे मूवी हरामखोर मूवी का नाम है, तो वो हम देखेंगे अभी, देखते हैं कैसी।